जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एसीएल यानी कि एक्सिता कॉटन लिमिटेड कंपनी के गिरावट के बारे में। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक इस स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और खूब शानदार रिटर्न निकाल कर दिया, बहुत लोगों ने इसमें पैसा कमाया। लेकिन क्या हुआ कि अच्छा रिटर्न देने के बाद जब इसे स्टॉक में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और अभी डाउन ट्रेंड नहीं है, बेसिकली एक रेंज बाउंड में स्टॉक फंसा हुआ है। आपको मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। बेसिकली हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो गिरावट का दौर है कब खत्म होगा, या जो कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है तो इसे कब बाहर निकलेगा, ताकि जो लोग डाउन ट्रेंड में बाय किए हैं या मान लीजिए किसी ने टॉप पे बाय किया होगा जब इसका प्राइस गिरने लगा था जहां से, तो उनको अभी तक भी कुछ लोग इसमें फंसे हुए होंगे, क्या करने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं आसान भाषा में बताऊंगा कि एक्सिता कॉटन लिमिटेड में आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल घबराने या डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का जिस हिसाब से फंडामेंटल है और जो कंपनी काम करती है उसके बेसिस पे कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा दमखम दिखाने का दम रखती है, यानी कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखिए, जब बीएससी इंडेक्स वेबसाइट पर आप एक्सिता कॉटन लिमिटेड को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि ना तो ये स्टॉक जीएसएम नहीं जीएसएम जैसी घातक कैटेगरी में है, यानी कि एकदम फ्री है, आजाद ये स्टॉक अभी स्टॉक मार्केट में घूम सकता है, चल सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जब आप कॉर्पोरेट एक्सेंस में देखते हैं तो आप पाते हैं कि एक्सिता कॉटन वैसे तो पेनी स्टॉक में कंसिडर किया जाता है, ये समय समय पर इसमें अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्सेंस भी होता रहता है, जैसे कंपनी डिविडेंड भी देती है, बोनस भी समय समय पर आते रहता है, बायबैक भी कंपनी करते रहती है, यानी कि एक छोटी सी कंपनी में जब इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल स्थिति को मजबूत दिखाते हैं। और फंडामेंटल मैं भी आपको दिखाऊंगा, कंपनी का फंडामेंटल सच में मजबूत है, इतना मजबूत है कि कंपनी बुरे वक्त में खुद को सस्टेन कर सकती है। रही बात शेयर के प्राइस के ऊपर जाने को लेकर नीचे जाने को लेकर, तो ये देखिए किसी भी स्टॉक का प्राइस लगातार और हमेशा ऊपर नहीं जाता है, समय समय पर उसमें तेजी आती है, गिरावट आती है। अभी स्टॉक में मंदी का दौर चल रहा है और फिर इसके बाद तेजी आएगी। पहले हम लोग इस कंपनी के काम से शुरुआत करते हैं। ये जो कंपनी एक काम क्या करती है, तो कॉटन बनाती है, तो ये जो कॉटन होता है इस कई प्रकार से यूज होता है। अब देखिए इसका यूज मेडिकल और हेल्थ केयर में भी होता है, आपको रॉ मटेरियल्स में भी होता है, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट में भी होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं जो कॉटन है इसके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो यह बहुत साधारण चीज और सस्ता भी मिलता है आप अगर मेडिकल की दुकान पर जाएंगे तो, लेकिन इसका यूज काफी बड़ा और बड़े पैमाने पे इसका यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो जो कंपनी का काम है वो इस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काम के बेसिस पे कंपनी का डिमांड हमेशा बना रहेगा, और जिस चीज की डिमांड हमेशा हो उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। प्लस जब आप कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो पाते हैं तकरीबन 550 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि पेनी स्टॉक में ये एकदम सेफ जोन में कंपनी आ गई है, इसका वैल्यूएशन इस लेवल का है। और यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको तकरीबन 35% के आसपास से, जो किसी पेनी स्टॉक का तो सामान्यता इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पैसा है, यानी कमाल का पेनी स्टॉक है। और बुक वैल्यू भी देखेंगे 2.48 रुपए के आसपास है, और सबसे कमाल की बात है कि स्टॉक का प्राइस 27 के आसपास है, यानी कि कोई अभी इसमें बाइक करना चाहते तो बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे इस स्टॉक का प्राइस आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझते हैं क्या अभी आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं। देखिए क्या होता है, कई लोग जब प्राइस नीचे आता है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो मेरा अगर पर्सनल व्यू जानना चाहेंगे तो यदि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है आप 5-10 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो बेशक कभी आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस देखिए यहीं से इस स्टॉक का प्राइस इसी रेंज बाउंड से निकल के ऊपर गया था, और अभी देखेंगे तो फिर से इसी रेंज बाउंड में स्टॉक आपको प्राइस आपको चलते हुए दिख रहा है, यानी कि जहां से उठना शुरू हुआ था उसी रेंज में आ गया है। और हम सभी जानते हैं कि रेंज बाउंड से जब प्राइस बाहर निकलता है, कंसोलिडेशन से जब स्टॉक का प्राइस निकलता है, नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ निकलता है, 90-95% चांस होता है ब्रेकआउट होने का, न कि ब्रेक डाउन होने का। यानी कि अभी जो प्राइस इस रेंज में आप देख रहे हैं इससे जब निकलेगा तो ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, सामान्यतः जब स्टॉक चलना शुरू करता है रेंज बाउंड के बाद तो जो पहला हाई होता है इसके डबल जाने की अपेक्षा, मतलब ये दमखम रखता है, तो ये जो हाई है मान लीजिए 32 रुपए का, कम से कम इसके डबल डबल नहीं भी जाएगा तो कम से कम 50 रुपए 55 रुपए 60 रुपए तक तो जरूर जाएगा, जाना तो चाहिए इसको 64-65 रुपए तक। तो यहां तक के लिए आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तुरंत इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब इस स्टॉक का प्राइस इस रेंज के ऊपर यानी कि जब 22 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट हो सकता है, कुछ के मन में बहुत बहुत सवाल आ सकते हैं कि जो लोग पहले से इसमें बाय करके बैठे हुए हैं वो क्या करें, वो अभी भी इसमें होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अब बेचेंगे तो नुकसान में बेचना होगा, और जब मैं आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको इसमें समझना चाहिए और होल्ड करने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा काम का पैसा लगा दें तब तो आप इसमें बेच के निकल सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन होल्ड करने की कैपेसिटी तो बेशक आप होल्ड कीजिए, आपको स्टॉक में नुकसान तो नहीं होगा यदि आप इसमें समय देंगे तो। और बाकी कुछ और चीज़ों को समझें,
यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो डेप्ट है मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए दिखा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यह भी समझना होगा कि डेप्ट बढ़ने के साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, जो कैश पैसा है, वह भी बढ़ा है। तो जब दोनों एक साथ बढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है कि सिर्फ कर्जा बढ़ रहा हो और कंपनी का कमाई नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं, कंपनी का कमाई भी हो रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहे हैं और उसका यूज कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर करने में कर रही है। तो एक्सिता कॉटन लिमिटेड जो कंपनी है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यदि इससे रिलेटेड मन में आपके कोई सवाल है, कन्फ्यूजन, तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं सबके कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।